नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार निगम उषा मेटल से। मैं एक मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग कंसल्टेंट हूं और मैं खुद ये बिजनेस 15 सालों से ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग का काम कर रहा हूं। मुझे इस फील्ड में 15 साल का डोमेस्टिक मार्केट और 10 सालों का इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है। अगर आप मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्टअप या एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग बिजनेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 101 हैंड होल्डिंग कंसल्टेंसी देता हूं, जिसमें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली काम रहता है और बाद में वेरीफाइड सप्लायर के साथ सेल एंड परचेज भी करवाता हूँ, जिनके साथ मैं खुद काम करता हूँ सिक्योर पेमेंट कंडीशन के साथ, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में बहुत फ्रॉड और स्कैम होता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माफिया स्क्रैप टेंडर कैसे मैनेज करवाते थे। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ ये 1980 से लेके 2010 तक काफी होता था, लेकिन आज की डेट में कम है। 1980 से लेके 2010 तक का माफिया पूरा सिंडिकेट बनाकर काम करते थे और ये सिंडिकेट कुछ माफिया ही चलाते थे। जैसे कि कुछ माफिया का नाम बताता हूँ मैं आपको, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला हो गए, अतीक अहमद हो गए, हरिशंकर तिवारी हो गए, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी और भी काफी माफिया और गैंगस्टर्स थे जो ये काम करवाते थे। इसमें और भी माफिया थे जो इस प्रकार का काम करते थे, लेकिन अब वो काम नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली है। करंट में जो कुछ माफिया हैं जो इस बिजनेस में हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, जैसे ब्रजेश सिंह हो गए, सुभाष ठाकुर हो गए, राजा भैया हो गए, इन जैसे माफिया और बाहुबली ये काम आज की डेट में साइलेंटली बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और ये सब चीजें आम जनता को पता नहीं होती हैं, जो इस लाइन का आदमी होता है सिर्फ उनको पता रहता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूं, जो कि इंफॉर्मेशन मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है, प्लस इंटरनेट पे भी इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन इसमें आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, कुछ एक्सपीरियंस से ही करके मिलती है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है। दोस्तों रेलवे स्क्रैप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 2005 से लेके 2018 तक रेलवे ने 35,000 करोड़ का स्क्रैप सेल किया था। करंट में हर रेलवे जोन का बजट 200 से 400 करोड़ का हर साल का है। टोटल अपने इंडिया में 13 रेलवे जोन है। दोस्तों 2022 से लेके 2023 तक का रेलवे का जो बजट था सेल का वो 4,400 करोड़ का था। उन्होंने इतना स्क्रैप सेल किया है हर जोन का मिलाकर, सारे जोन का अगर मैं मिला के बताऊं आपको, टारगेट के ऊपर ही सेल होता है, टारगेट के नीचे कभी सेल नहीं होता इनका। अगर 3,000 करोड़ का है तो 4,000 करोड़ तक इनका सेल चला जाता है टारगेट के ऊपर। और दोस्तों जहां प्रॉफिट होता है वहां पर माफिया ऑटोमेटिक आ जाता है। सिर्फ रेलवे ही नहीं, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ हर जगह आपको ये मिल जाएंगे, जो दूसरों को काम नहीं करने देते हैं। और करंट डेट सिचुएशन बताऊं तो ये डायरेक्ट कभी काम नहीं करते हैं, ये हमेशा इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं कोई भी बिजनेस हो चाहे। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये माफिया ऑपरेट कैसे करते थे और इस ऑक्शंस को मैनेज कैसे करते थे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, रिजर्व प्राइस का। आपको अगर ये पता नहीं होगा तो आप आगे की पूरी कहानी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारा गेम रिजर्व प्राइस पर ही टिका हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिजर्व प्राइस क्या होता है। रिजर्व प्राइस जनरली जितने स्क्रैप में काम कर रहे हैं करंट में वो भी जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल अंदर तक घुसे होते हैं सिर्फ उनको ही सब जानकारियां होती हैं। और जो ऊपर ऊपर बिजनेस करते हैं, जिनको ज़्यादा उनको सेल परचेज से मतलब है, ज़्यादा उनको टर्म से मतलब नहीं है, कौन सा कैसे क्या मैनेज करना है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, वो भी आप देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों रिजर्व प्राइस गवर्नमेंट की तय की हुई एक रेट होता है जिसको सिर्फ गवर्नमेंट के लोग ही जानते हैं। गवर्नमेंट अपने स्क्रैप की एक वैल्यूएशन करवाता है वैल्यूअर से और जो उसकी वैल्यू निकल के आती है उसको ही रिजर्व प्राइस बोलते हैं। रिजर्व प्राइस का एक फॉर्मूला होता है जो करंट रेट, 3 बार के टेंडर और रेट फोरकास्टिंग के थ्रू कैलकुलेशन करके निकाली जाती है। और ये रिजर्व प्राइस बहुत सीक्रेट होता है। गवर्नमेंट का 100 टन आयरन स्क्रैप को सेल करना है तो गवर्नमेंट उस 100 टन स्क्रैप का एक वैल्यू निकलवाएगा कि करंट में उसकी क्या पोजीशन है, करंट में क्या रेट चल रहा है और आगे बढ़ सकता है या 3 महीने पुराने क्या रेट थे। ये सारी एक इंफॉर्मेशन ट्रेंड निकालता है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक रेट तय करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने तय किया है कि हमें 35 रुपये तक इस माल को बेचना है, तो अब ऑक्शन करने वाले 35 रुपये से ऊपर जाएंगे
तो ही इनको टेंडर मिलेगा। लेकिन ये इनको पता नहीं होता है कि 35 के ऊपर जाना है या 34 के ऊपर जाना है, उनको तो जीरो से स्टार्ट करना होता है टेंडर लेने वालों को। टेंडर जो रिजर्व प्राइस गवर्नमेंट कभी किसी को नहीं बताती है, जो बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, डिप्टी CNM होते हैं, स्टोर इंचार्ज होते हैं, या DRM टाइप के जो बड़े ऑफिसर होते हैं, IRS होते हैं, सिर्फ उनको ये चीज़ पता होती है क्योंकि वही इनके वैल्यूशन करवाते हैं। आपने अगर 34 रुपये डाल दिया तो भी आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ने 35 तय किया है। आपको 35 के ऊपर 10 पैसे बढ़ के डाल दोगे तो आपको टेंडर मिल जाएगा। लेकिन जब टेंडर डालते हैं तो लोग उस पर कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसका हाई बिड जाता है उसी को टेंडर ये मिलता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब आप काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीगल ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। एक पूरा टेंडर अगर होता है और इसमें कोई भी माफिया इन्वॉल्व नहीं है तो वो किस तरह से होता है, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि अगर माफिया इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट ने एक रिजर्व प्राइस तय की है कि उसको स्क्रैप बेचना है 20 रुपये पर kg। अब इसमें बहुत सारे व्यापारी अलग अलग जगह से आते हैं, उनको रिजर्व प्राइस पता नहीं है, वो सिर्फ अपना आते हैं, माल देखते हैं, वैल्यूशन करते हैं और टेंडर स्लिप भरते हैं। ठीक है, ये बहुत लीगल प्रोसेस बता रहा हूँ जो नॉर्मल व्यापारी सबको ही करता है। अब दोस्तों उन व्यापारियों ने वैल्यूशन की, उनके हिसाब से ये माल 25 रुपये का है, लेकिन 25 रुपये के नीचे खर्चे भी जुड़ते हैं, तो उनके हिसाब से ये कोई अगर व्यापारी अच्छा वैल्यूशन करने वाला होगा माल का तो उसको पता रहेगा कि हमें इसको कितने तक बेच सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने रेट डालते हैं। और कई जगह ऐसे होता है दोस्तों कि व्यापारी नया होता है, उसको पता ही नहीं होता है, 30 की चीज़ को 50 में खरीद लेता है, तो 20 रुपये घाटा उसको यही हो जाता है। अगर उस चीज़ का आपको ढंग से वैल्यूशन करना आता हो तो उसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था तो काफ़ी गलत वैल्यूशन करता था, लेकिन मैंने जब जिनके साथ उठा बैठा सीखा मैंने काम, तब जाके मुझे भी समझ में आया कि इसकी वैल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। इसका प्रोसेस पहले कैसे होता था कि आपने मॉर्निंग में जाते थे, टेंडर का फॉर्म मिलता था, उस टेंडर फॉर्म में अपने रेट डालते थे, 25 रुपये 20 रुपये जो भी आपका रहे। अगर आपका रेट टेंडर फॉर्म में रिजर्व प्राइस के ऊपर है और कॉम्पिटिशन में है तो आपको वो टेंडर 3 घंटे बाद आपका टेंडर क्लियर हो जाता था और शाम को आपको टेंडर स्लिप मिल जाती थी। आप वहाँ कैश जमा करते थे और आप अपना स्क्रैप उठाने अगले 2 या 3 दिन में आ जाते थे। ये प्रॉपर एक चैनल के थ्रू होता था, ये पूरा लीगल ट्रांजेक्शन है जो नॉर्मली होता था। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि माफिया कैसे टेंडर को मैनेज करते थे। सबसे पहले दोस्तों माफिया अपने तैयार किए हुए व्यापारी को टेंडर में बैठाते थे। इससे पहले वो अपना खौफ इतना पैदा करते थे कि लोग टेंडर में बैठने आते ही नहीं थे, जैसे कि वो मर्डर करवा देते थे, किडनैपिंग करवाते थे, एक्सटॉर्शन लेते थे और गुंडा टैक्स लेते थे। इस तरह के क्राइम से व्यापारी इतना डर जाता था कि वो टेंडर डालने आता ही नहीं था। ये तो बाहर के व्यापारी होते थे जो कलकत्ता, मुंबई, बड़े बड़े शहरों से आते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया जाता था कि वो डर के मारे वो आते ही नहीं टेंडर डालने के लिए। आप किसी के इलाके में जाके काम करोगे तो उसको तो आपको साधना ही पड़ेगा, अगर आप उसको नहीं साधोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर आदमी हर जगह का माहौल में सेटल नहीं हो सकता है। फिर जब व्यापारी बाहर के व्यापारी आना बंद हो गए तो अब लोकल के व्यापारी हैं, तो बाहुबली कभी भी लोकल के लोगों को नहीं डराता है क्योंकि लोकल के लोगों को भी वहीं रहना है और वो बाहुबली भी वहीं रहने वाला है। तो क्या होता था कि लोकल के व्यापारियों को साथ लेके काम करते थे माफिया। अब दोस्तों उन्होंने जैसे 10 व्यापारी चुन लिए, वहाँ पे बैठे हुए हैं 20 व्यापारी, लेकिन 10 व्यापारी ऐसे हैं जो मोटी आसामी होते हैं, जो बड़े टेंडर उठाते हैं, बाकी के 10 जो रहते हैं वो सिर्फ रेट बढ़ाते हैं। तो क्या होता था दोस्तों, माफिया ये व्यापारी मिलके जो 10 छोटे जो टेंडर उठाने वाले होते थे उनको भी कुछ पैसा दे के शांत करवा देते ताकि वो रेट ना बढ़ाएं, और 10 व्यापारी मिलके माल की बोली लगाते थे और बोली रिजर्व प्राइस है उससे थोड़ा ऊंचा होता था। बस इस टर्म में जो 10 व्यापारी हैं सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता था, उसमें मार्जिन हाई था। इसी जगह पे अगर आप माफिया को साइड कर दो और नॉर्मल आप सोचो तो व्यापारी आपस में टेंडर को रेट डालेंगे और किसी एक व्यापारी को हाईएस्ट बिट में माल मिलेगा। इसमें व्यापार में 10 व्यापारी को फायदा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यापारी को हुआ, लेकिन उसमें भी उसको मार्जिन कम मिला। लेकिन जब माफिया इन्वॉल्व हो जाता है तो माफिया रिजर्व प्राइस से लेके सब कुछ मैनेज करके वो टेंडर करवाते थे, इससे 10 के 10 व्यापारियों को फायदा होता था। साथ में इसमें रेलवे के अधिकारी, पॉलिटिशियंस,
माफिया और छोटे छोटा व्यापारी भी मुंह दिखाई के 50,000 रुपये ले जाता था। तो इस तरीके से माफिया इसमें काम करते थे और करंट सिचुएशन में ऐसे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा काम लगभग बंद हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन अभी कहीं कहीं है, जैसे आप बिहार साइड चले जाइए, साउथ में चले जाइए, कुछ इलाके हैं, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे भी अभी ऐसे टेंडर डाले जाते हैं। भलाई आप ऑनलाइन डाल रहे हो लेकिन फिजिकली माल उठाने तो जाना पड़ता था ना, तब वो पकड़ लेते थे, तब वो गुंडा टैक्स किडनैपिंग मर्डर करते हैं। अब ये यूपी में तो बहुत कम है, ना के समान चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकाउंटर्स इतने करवाए हैं योगी जी ने, तो उस चक्कर में जो जितने ही माफिया गुंडे बदमाश हैं ये डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में क्राइम भी बहुत कम हो गया है। दोस्तों ये तो था कि मैंने आपको बताया कि टेंडर कैसे लोग मैनेज करवाते थे 1980 से लेके 2010 तक का। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि लीगल वे में टेंडर कैसे होते थे, फिर माफिया अगर इन्वॉल्व होता तो कैसे होता है। अब मैं आपको बताऊंगा करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है जो कि आम लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों करंट सिचुएशन में आप जितने भी टेंडर देखते हो ऑनलाइन वो सिर्फ 20% होता है, 80% बैकडोर से माफिया और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बैकडोर से सारे स्क्रैप के टेंडर होते हैं या अदर डिपार्टमेंट के स्क्रैप के टेंडर होते हैं वो पहले ही मैनेज करके सब लूट लिया जाता है। आपको से 20% इसलिए दिखाया जाता है ताकि ये आपको पता रहे कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से चलता है और लोग इसको हकीकत भी मानते हैं। लोग कहते हैं देखिए ऑनलाइन चल रहा है सब ट्रांसपेरेंसी से है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग पहले करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक दूसरे का मर्डर कर देते थे आज इतना शांत क्यों है, खुद ये कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि उनका पेट भर गया है और उनका पेट भरता ही जाएगा। आप लोग आपस में लड़के उसके रेट बढ़ा बढ़ा के गवर्नमेंट को पैसा टैक्स कलेक्शन दोगे और उसी साइड में 80% वो माल बेच के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं सिंडिकेट वाले। तो ये चीज है, नॉर्मली इससे ज्यादा मैं सब बोल नहीं सकता हूँ, ये सब हो रहा है और काफी जो पुराने व्यापारी हैं उनको ये पता भी है लेकिन वो कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि इसमें कोई लड़ नहीं सकता है क्योंकि करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।